17th क्वेश्चन के फैक्ट्स बताओ क्या क्या हैं कि एक तो इशूड शेयर्स हैं बताओ 1,80,000। हाँ जी, 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000।
तो इजी हो गया पहली एंट्री है ना, अब दूसरी एंट्री बताओ क्या होगी। ये एंट्री किस लिए है? एप्लीकेशन मनी रिसीव। हाँ जी, दूसरी एंट्री बताओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? पूरा 1,80,000। ये तो हमें यहाँ तो पूरा अमाउंट लिखना है। बताओ शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर होगा? ये एंट्रीज आपको एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकती हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो अभी आपको जनरल एंट्री करने का नहीं आएगा, लेकिन आपको एमसीक्यू जब होंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये एंट्री आपको दे सकते हैं। तो बताओ क्या आएगा? 1,50,000। और बताओ टू शेयर अलॉटमेंट कितना? हाँ जी, बस यहीं पर आप गलती करें। उस दिन मैंने आपको क्या समझाया? एक तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सेस मनी रिफंड कर रही है। बताओ कितना लिखा है इन्होंने? सबसे होती है
तो कितना हो गया 2,50,000, 2,50,000। अब उस 2,50,000 में हम बताएंगे शेयर कैपिटल के नाम के कितने पैसे हैं, बताओ कितने हैं, शेयर कैपिटल के नाम के कितने पैसे हैं बताओ, कितना अमाउंट डालो यहाँ फिल इन द ब्लैंक के लिए आपके लिए 1,00,000। कैसे बताओ, दूसरा कोई बताओ किसी के, क्योंकि कैपिटल 2 रुपए है, प्रीमियम 3 रुपए है, प्रीमियम में कितना डालू 1,50,000। ठीक है, अब अगर मान लो हमें ये हमारी एंट्रीज हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो गई। इसके बाद अब हमें ये कह रहे हैं फर्स्ट कॉल रिसीव हुई, ये आप नोट डाउन करते जाओ साथ साथ, कर रहे हो ना, ठीक है।
क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन बैंक या व्हाट इज द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, आप कैसे पता लगाओगे टोटल बैलेंस शीट का कितना है? उसके लिए आप सबके पैसे आएंगे रिसीव, देखो 180,000 ये आया, फिर 180 तो ये आया था जिसमें से 9 आपने वापिस कर दिया है ना, तो कितना बचा? 1,71,000 प्लस ये है ना, यानी कि 1,71,000, 2,29,000 और 1,49,000 7 टोटल देखो कितना हुआ, 5,49,700। तो एक तो तरीका ये मैंने इस तरह से पूरी एंट्रीज कर रखी हैं, तो मैंने सारे बैंक की एंट्री कर ली। आपको पता है कि जो बैंक में पैसा उतनी हमारी एसेट साइड भी होगी, कैपिटल साइड भी होगी, तो हम ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा हिसाब लगाओ हमने अभी तक कितने पैसे मंगवाए टोटल 3 रुपए, एक तो हमने ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर मान लो मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना किया होता, और ये क्वेश्चन है सीधा, ये क्वेश्चन है कि बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना होगा, अब क्वेश्चन है सिर्फ एक नंबर का, तो आप इतनी सारी एंट्रीज थोड़ी ना करोगे, फिर आप क्या करोगे? देखो इसी क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर हमें बैलेंस शीट का पता लगाना है कितना होगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जितना भी कैश हमारा होगा वो बैलेंस शीट का टोटल होगा। देखो हमने मंगवाए 3 रुपए पर शेयर, कब? एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमने टोटल मंगवाई 5 रुपए, 3 रुपए प्रीमियम का, लेकिन कैश तो आया ही ना वो भी, और हमने मंगवाई फर्स्ट कॉल कितनी 3 रुपए, कितने मंगाए 5 और 3 8 और 3 क्या, कितने शेयर्स हैं 50,000, टोटल कितना हो गया 5,50,000, मतलब कि मेरे पास 5,50,000 रुपए की मेरी बैलेंस शीट होती अगर किसी ने डिफॉल्ट ना की होती। ये बैलेंस शीट का टोटल हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन का क्या होगा, कुछ भी ना किया हो आपने सिर्फ इससे निकालना, तो सिर्फ 300 रुपए तो हमारे एक एक शेयर पर 100 शेयर पर 300 रुपए तो कमाए ना, तो मैंने वो माइनस कर दिया 5,49,700। तो ये तो अगर मान लो पूरी एंट्रीज आपको दे दी तो पता लगाना, तो सारे बैंक को टोटल कर दियो, बैंक सारा डेबिट एक जगह माइनस बैंक क्रेडिट हुआ वो एक जगह, वन मार्क का आया तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कि व्हाट इज द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी, चलो इस माने आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा पुराटा लॉटरी वगैरह, तो थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंगली आपको सिखाने के लिए चेंज किया, समझ गए प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब कंसेप्ट समझे? ठीक है, चलिए।